बेमेतरा जिले में इन दिनों किसान खरीदी के मुद्दे तूल पकड़ रहे हैं, जहां किसान नेता योगेश तिवारी ने जिया, खुड़मुड़ी, भालेसर समेत जिले के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं तिवारी ने भालेसर धान खरीदी केंद्र में धान तौलने में गड़बड़ी होने का दावा किया है। किसान नेता तिवारी का आरोप है कि हर बार तौल में 3 से 4 किलो अधिक धान तौली जा रही है। प्रदेश सरकार की शह पर अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से सभी बिक्री केंद्रों में ये खेल चल रहा है और हजारों क्विंटल धान की चोरी की जा रही है। वहीं पूर्व सहकारिता मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। जिला अधिकारी ने जिले में बेहतर तरीके से धान खरीदी होना बताया है। ये बारदाना का वजन बढ़ा के प्लास्टिक बोरा में धान लिया जा रहा है। हर बोरा में दो दो तीन तीन किलो, दो दो किलो, डेढ़ डेढ़ किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है किसानों से। ये भालेसर सोसाइटी में ये हाल है, जबकि इसको जब बारदाना में नहीं, प्लास्टिक बारदाना में लिया जा रहा है, तो इसको निकाल देना चाहिए। वेट को कम से कम 1 किलो 1.5 किलो, 1 किलो 1.5 किलो इसका वेट है बोरा का। तो ऐसा सब धान दी और इसकी जांच की हम लोग मांग करते हैं, और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। किसानों का धान तो खरीदने नहीं चाह रहा है। आज देखो बोरा के नाम से इतना त्रस्त है किसान लोग, पहले 50% दो, उसके बाद 60 दो, 70, इस तरह से अब 100 में 100% बारदाना मांग रहा है, और एक बारदाना कीमत 40 से 45 रुपए है। सरकार 12-15 रुपए देने का बात कर रहा है, लेकिन पूर्व में 2 साल से बारदाना का 1 पैसा नहीं दिया है, और इस साल भी कह रहा है इसकी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, और पिछले साल के धान का पैसा ही आज तक के 1 किस्त नहीं मिला है। तो सरकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस माना ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं ये भाजपा के बता देना चाहता हूँ, खासकर अगर हमारे पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल कहा थे कि ये धान खरीदी में अधिक धान खरीदे जाते, बोला आप 15 साल के हिसाब पहले पूछो, 15 साल में उन्होंने कहा करी, 15 साल में यानी कर सरकार रही थी तो 50 लाख मीट्रिक टन से ओवर धान नहीं खरीद सक रही, लेकिन आज हमारे भूपेश की सरकार है। आप देखो पहली साल हमारे 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, और दूसरा साल 83 लाख मीट्रिक धान खरीदे, और बाद इस साल के टारगेट है हमारे कम से कम 90 लाख से ऊपर धान के खरीदी के टारगेट है। हमने खुद भी अपने 113 समितियों से अधिकतम समिति हमने खुद भी विजिट की है, और हमारे राजस्व वाले कर्मचारी और सब नोडल ऑफिसर भी विजिट कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसी शिकायत आ रही है वहाँ पर हम कड़ी कार्रवाई के लिए बोले हैं, परंतु सामान्य रूप से जो किसान है और समिति है उनके बीच में एक सामंजस्य रहता है, और जो मास्टर होता है उसके लिए कुछ कॉम्पनसेट करते हैं, पर अगर वो एक सीमा से ऊपर होता तो फिर हम निश्चित रूप से समिति के ऊपर